मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रगण, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। आपने ज़रूर ये शब्द सुना होगा, खरापन। कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्यों में, बातचीत में, और बोलते हैं भाई मैंने तो उसको खरी खरी सुना दी है। खरापन आपने सुना होगा, खरा नमक, खरी चीज़ें, खरा व्यक्तित्व। तो आज मैं उसी खरेपन के बारे में बात करने वाला हूँ, या दूसरे रूप में खरी खरी शिक्षा, उसके संबंध में आपसे बात करूँगा। खरा का मतलब है पक्का, श्योर, पवित्र, सॉलिड, मतलब जो है सो है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात। मैंने उसको खरी खरी सुना दी, कहने का मतलब मेरे दिल में जो बात थी मैंने उसको सुना दी। अब उसको भला लगे बुरा लगे वो उसकी बात है, लेकिन मेरे मन में जो बात थी मैंने कोई उसमें मिक्सअप नहीं किया, जो मेरे अंदर बात थी मैंने सुना दी। खरापन, शुद्धतापन, और इसी के बारे में परमेश्वर चाहता है कि आप और हम भी खरे मनुष्य बने, हमारे जीवनों में खरा व्यक्तित्व पाया जाए, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो दूसरों को भी वही शिक्षा दें खरी खरी बातों के विषय में। और इसी से संबंधित आज मैं आपके सामने कुछ बातों को, कुछ वचनों को पढ़ूंगा, और उन वचनों के आधार पर कुछ बातें बताऊंगा जो हमें दूसरों को शिक्षा देना है, शिक्षा देने के साथ साथ हमें भी वैसा ही बनना है। खरे सिद्धांत, खरी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा, परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है, खरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बिल्कुल जो है सो वो बताता है हमारे जीवन के बारे में, और कैसे हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति खरा उतरना चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संदर्भ में तीतुस उसका दूसरा अध्याय पहले पद से, तीतुस उसका दूसरा अध्याय और पहले पद से आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे सिद्धांत या खरे ज्ञान के योग्य हैं, अर्थात वृद्ध पुरुषों, सचेत और गंभीर और संयमी हो, उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन भक्तियुक्त लोगों के समान हो, वे दोष लगाने वाली नहीं और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, ये सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, और तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलट कर जवाब न दें, चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य में उद्धार लाने में सक्षम है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा के, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें
हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बात कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। यहाँ तक 1 से 15 ये बहुत अच्छा अध्याय है और इसमें सभी के लिए, चाहे बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पति पत्नी हो, संबंध हो, आपसी संबंध हो, सबके लिए कुछ न कुछ खरा उपदेश है। खरी खरी बातें साफ रीति से लिखी गई हैं और वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, वो पवित्र है, खरा है, सच्चा है और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी खरी बातों पर, खरे सिद्धांतों पर ध्यान दें। आजकल अलग अलग शिक्षाएं चल रही हैं, झूठी शिक्षाएं आ रही हैं, उल्टी सीधी शिक्षाएं आ रही हैं, मनगढ़ंत शिक्षाएं आ रही, कहानियां आ रही हैं। आपने देखा होगा कभी कभी लोग प्रचारक लोग या पास्टर लोग बड़े बड़े कन्वेंशन में खूब कहानियां बताते हैं, ये किया वो किया, अपनी कहानियां, और उसी के आधार पर वचन सुनाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा देर नहीं जाता मेरे मित्रों जी, नहीं, हमारा पूरा ध्यान, पूरी शिक्षा, पूरा आभाव, व्यक्तित्व परमेश्वर के वचन पर आधारित होना है, है ना, ना कि मनगढ़ंत कहानियों पर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इधर उधर लोग हंसा हंसा करके पागल कर दिए, क्या ये परमेश्वर का वचन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कभी ठीक है छोटा सा कोई बात बोल दे जिससे कि थोड़ा लोग मुस्कुराएं, लेकिन पूरा मीटिंग में बस हंसते रहे, कुछ सीखे नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें कुछ अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, ये गलत बात है। हमें खरी शिक्षाओं पर ध्यान देना है और आपको और मुझे इस बात को सीखना है। सो आइए थोड़ा सा हम इनका अवलोकन भी कर लें। तीतुस उसका 2 अध्याय पहले पद में, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे सिद्धांत के योग्य हैं। और खरे सिद्धांत के योग्य क्या है आपके सामने अभी मैंने पढ़ा, 2 पद, अर्थात वृद्ध पुरुषों, सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज क्या हो? पक्का हो। हमारे बुजुर्ग भाई बहन, अंकल आंटी के लिए बहुत परमेश्वर का वचन खरा है कि वे सचेत रहें, उल्टी सीधी बातों में ना आए, अपने जीवन में, अपनी बातों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में गंभीरता दिखाएं, और संयमी हो। संयमी का मतलब कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित, संयमी। ये नहीं कि एकदम से गुस्सा कर लिया और मारपीट शुरू कर दी और इस प्रकार की बातें आजकल देखते हैं हमारे मसीही परिवारों में, रगड़ा झगड़ा, द्वेष भावना, ये क्या है? नहीं, क्या लिखा हुआ है? वृद्ध पुरुषों को सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास, हाँ अब वो वृद्ध हो चुके हैं, अब ज्यादा समय नहीं है शायद वृद्ध लोगों के लिए इस दुनिया में, तो और भी विश्वास में पक्का होना। जैसे जैसे वे शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं, वैसे ही वे आत्मिक विश्वास में, आत्मिक समर्पण में बढ़ते चले जाए, पक्के हो जाए, विश्वास में पक्के, प्रेम और धीरज पक्का हो। विश्वास पक्का हो, प्रेम पक्का हो और धीरज पक्का हो, जल्दी से कुड़कुड़ाए नहीं। ये हमारे वृद्ध पुरुषों के लिए परमेश्वर का वचन खरा सिद्धांत है, खरी बात है। तो ये आप ज़रूर अपने, अगर आप सुन रहे हैं कोई तो वृद्ध अवस्था में ध्यान दे, यदि कोई जवान सुन रहे हैं तो ज़रूर अपने अंकल आंटी को, माँ बाप को बताएं। और हो सकता है कि न सिर्फ वृद्ध पुरुषों के लिए लेकिन हम सबों के लिए है कि हम सचेत रहें, गंभीर रहें, संयमी हो, विश्वास और प्रेम में, धीरज में पक्के हो जाए। इसी प्रकार लिखा हुआ 3 पद, बूढ़ी स्त्रियां भी उनका चालन चाल चलन कैसा हो? भक्ति युक्त हो और लोगों के समान हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्त्रियां मिल जाती हैं, बातें करना शुरू करती हैं और भैया वहां से जब शुरू हो जाता है तो क्या होता है, नुक्ता चीनी, काना फूसी, अरे तूने सुना उसके बारे में, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है,
और फिर गॉसिपिंग, कानाफूसी, झूठी बातें दूसरों के बारे में बताना, ये हमारी जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उनका काम नहीं है। क्या है लिखा हुआ, वे दोष लगाने वाली ना हो, पियक्कर ना हो, हैं, और अच्छी बातें सिखाने वाली हो, अच्छी बातें सीखें और अच्छी बातें सिखाने वाली भी हों, तब तो बात बनती है मेरे दोस्तों। सो ये खरा वचन है, यही है ना खरा वचन। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों को भी चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जवान स्त्रियों को, चौथा पद, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखें, संयम रखें, पतिव्रता का रखें, घर का कारोबार संभालने वाला हो, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। बहुत अच्छी बात, ये भी खरा वचन है। हम खरे वचन की बात कर रहे हैं ना, खरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं, खरे शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये है साहब ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल सही, ठोस, सटीक परमेश्वर का वचन है। क्या सिखाना है, अपने जो जवान स्त्रियां हैं उनको चेतावनी देते रहे, समझाते रहे, बेटी बेटा सुनो ऐसा नहीं, और अपने अपने पतियों को से और बच्चों से क्या रखें, प्रेम रखें, इधर उधर ज़्यादा ना जाएं और उल्टी सीधी बातों में ना रहें। वो जवान स्त्रियों के लिए पहले तो आदर्श बन जाए, नमूना बन जाए, और उसके बाद वो जो यंग लेडीज़ हैं, जवान स्त्रियों, उनको चेतावनी देते रहें, है नहीं, और संयमी रहें, पतिव्रता रहें, घर का कारोबार देखें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। आजकल क्या है, एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और हो सकता है कि कुछ आवश्यकता अनुसार हो गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल पति पत्नी दोनों कमाते हैं। चलो ठीक है, कमाते हैं, क्योंकि महंगाई का जमाना, लोग बोलते हैं ठीक है महंगाई तो है। अब स्त्रियां भी जो है, वाइफ भी काम में चली जाती, पति भी काम में चले जाते हैं, और बच्चों को कहाँ छोड़ जाते हैं, या तो नाना नानी के साथ छोड़ दिया, या कोई और अपना संबंधी, या कोई रख लिया घर में नौकर, भाई देख लेना हमारे बच्चे को। गलत है। और विशेष करके हमारी बहनों का, मैं ये विश्वास करता हूँ कि बहनों को घर में रहना चाहिए जब तक कि बच्चे 12-13 साल के ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रह जाते हैं, शाम को पत्नी घर वापस आती काम से, थकी रहती, न पति बच्चों को टाइम दे पाता न पत्नी, और दोनों थके रहते, चिड़चिड़ाते रहते हैं, और घर टूट जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, होशियार रहिए। पहली बात, जो पत्नी का जो रिस्पांसिबिलिटी है पति के साथ, कि वो उनको उसके अधीन रहें, उसके प्रेम में बने रहें, और अपने घर का कारोबार पहले देखें। घर, होम कैसा है, पैसा तो कमा लिया, लेकिन घर में और बच्चों की हालत क्या हो रही है। बेचारा बच्चा ऐसे ही बिना मम्मी के घर में रहता है, और वो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, उल्टे सीधे टीवी, कार्टून नेटवर्क, ये उल्टे सीधे टीवी देखता रहता है। ये क्या मसीही बातें हैं? नहीं, खरी बात यह है कि पत्नी को घर में रह करके अपने घर का देखभाल करना है, अपने पति के अधीन रहना है। क्यों? ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो। ये खरा वचन है, ये है खरा वचन आजकल के 21वीं शताब्दी के परिवार के लिए। और यही बात हमारे जो बूढ़ी स्त्री अंकल आंटी हैं, वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि घर टूट ना जाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, और वो कैसे नहीं होगा, जब हम खरे वचनों पर बने रहेंगे। फिर छठवां पद में लिखा हुआ, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे क्या हो, संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। अब जवानों की बारी है, आप जवान सुन रहे होंगे शायद, क्या लिखा हुआ है कि वे संयमी हों। आजकल के जवान में क्या है,
कंट्रोल एकदम नहीं हो पाता, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं माँ बाप के प्रति, दोस्त के प्रति, पास्टर के प्रति, एल्डर्स के प्रति, चर्च के प्रति, स्कूल में। अरे साहब, नहीं 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 एक जवान को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल होना है और ये बात सिखाना है हमारे जवानों को। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा है? और ये खरा वचन है। और सब बातों में क्या है, अपने आप को भले काम का क्या बनाए, नमूना बनाए। आज साहब आदर्श की बहुत जरूरत है, नमूनों की जरूरत है, एक मॉडल की जरूरत है। और आप जवान इसमें एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तेरे उपदेश में क्या हो, सफाई, गंभीरता, और ऐसी खराई पाई जाए कि उसे कोई बुरा ना कह सके। जवानों होशियार रहिए, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। और हमें हमारे कई जवान, पता नहीं अगर आप इसमें सम्मिलित हैं कि नहीं, ड्रग लेते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उल्टे सीधे पिक्चर और अश्लील चित्रों को देखते हैं, पोर्नोग्राफी जिसे हम कहते हैं। क्या ये एक मसीह जवान को शोभा देता है? आप ही बताइए, नहीं देता। और ये बात आप दूसरों को सिखाइए कि खरे वचन में बने रहें। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जवान, आजकल के जवान बहुत इधर उधर फुदक रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ों में वो अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए कई तरह तरह के तरीके आजमाते हैं। नहीं, खरा वचन सुनिए, आप बने रहेंगे, चट्टान पर बने रहेंगे, नहीं तो बर्फ़ के समान फिसल जाएंगे। अगर बर्फ़ में खड़े हैं आप फिसल जाएंगे। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले काम का नमूना बना दे। आपके परिवार, आपके माँ बाप आपकी तारीफ करेंगे, आपके कॉलेज या स्कूल के शिक्षक आपकी तारीफ करेंगे, आपके चर्च के पास्टर आपकी तारीफ करेंगे। भाग लीजिए चर्च में, एक्टिविटी में, पास्टर के साथ अपने दोस्तों की सहायता करिए। अगर कोई बुरा काम कर रहा तो उसे आगाह करिए, समझाइए उनको। ये है खरा वचन। और लिखा हुआ आठवें पद में, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर पाकर हमें क्या करे, लज्जित करे। सो जवानों, आपके लिए भी खरापन है का वचन यहाँ पर दिया गया। फिर आइए नौवां पद, दासों के बारे में लिखा है। क्या लिखा हुआ है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब न दे, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से बुरे विश्वासी, पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की उपदेश की शोभा बढ़ा दे। कितना अच्छा खरा वचन है ना दासों के लिए, जो काम करते हैं, जो किसी के अंडर में है। अगर मैं प्रिंसिपल साहब के अंडर में हूँ तो मुझे प्रिंसिपल साहब के अधीन रहना है। हो सकता है उनके विचार हमारे विचार ना मिले, लेकिन जो भी काम वो हमें देते हैं पूरी सतर्कता के साथ, पूरे भलाई के साथ, परमेश्वर का भय मानकर हम वो काम करें, उलटकर जवाब ना दें। ये खरा वचन है, ये खरा वचन है। अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और उन्हें प्रसन्न रखें, जितना हो सके परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्हें प्रसन्न रखें, उलटकर जवाब ना दें। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे अधिकारी, जो हो सकता है वो अधिकारी हमारे डायरेक्टर्स हो, हमारे प्रिंसिपल हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, पास्टर हो, हम उनके अधिकार में हैं, हाँ, और उलटकर हम जवाब ना दें। कभी कभी क्या करते हैं, अगर उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती ना, तो हम कहीं जा करके अपने दोस्तों के साथ उनके विरोध में बातें बताते हैं। क्या ये ठीक है? आप ही सोचिए, ये खरापन नहीं है। खरापन यही है कि आप अपने अधिकारियों के अधीन रहें। हम परमेश्वर के दास हैं और इसी में परमेश्वर की महिमा होती है कि हम अधिकारियों के विरोध में कोई बात ना करें और उन्हें उनके जो काम दिए हैं बड़े सावधानी से, विश्वास योग्यता के साथ करें और चोरी चलाकी ना करें। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल बिल आया है, दुकान में गए मेडिकल ले, वो सब मेडिसिन ले लिया और आपसे पूछा जाता, भाई कितने का बिल बनाओ, है ना, वो मेडिकल शॉप कीपर जो बोलता, भाई कितने का बिल बनाओ,
तो आप पूछते हैं कितने का बिल है, 400 रुपए का बिल है। अब वो बोलता है कितना बनाओ, 500 बनाओ, 600 बनाओ। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बिल जो है वो आपको रीएम्बर्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जहां आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो कभी भी ना बोलें कि 500 का बनाएं या 600 का बनाएं। अगर 400 रुपए का सामान खरीदा है तो 400 रुपए है ना। मेरे पास कई बार ऐसी टेम्पटेशन आए, भाई साहब कितने का बिल बनाओ, परमेश्वर की आत्मा ने बोला झूठ नहीं। मैंने बोला साहब कितने का बिल है, 400 रुपए का, ठीक है तो 400 का बनाइए, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये चोरी है, ये चालाकीपन है, ये परमेश्वर के विरोध की बातें हैं, झूठी बातें हैं, ईमानदारी की बात नहीं है, खरी बातें नहीं है। इसीलिए चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दें। तो जब वो पूछता है आपको कितने का बिल बनाओ, तो भाई साहब जितने का बिल है उतने का बनाइए, तो वो सुनने वाले भी सोचेगा यार ये देखो दूसरे लोग आते हैं वो तो बड़ा बड़ा के बनाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने वो आप क्या कर रहे हैं उसके सामने एक खरा वचन दे रहे हैं, वो आपकी बड़ी प्रशंसा करेगा, लोगों को बताएगा यार एक कस्टमर आया था उससे पूछा लेकिन वो बड़े सच्चे रूप में उतना ही बिल बनाया, अच्छी बात है। आप एक प्रभाव डालते हैं खरेपन का, यह है खरा वचन, परमेश्वर का वचन खरा वचन, जी हाँ। तो इस तरह से आप परमेश्वर की महिमा करते हैं और इससे परमेश्वर खुश होता है और आपके बॉस भी खुश होंगे जब पता लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। कई बार क्या करते हैं, अगर गाड़ी चला रहे हैं ना ड्राइवर, तो पेट्रोल में का भी यही होता है, भाई पेट्रोल थोड़ा डलवा लिया और पूरा पैसा वसूल करके और कुछ पैसा जेब में डाल दिया। चोरी चलाकी ना करें, सब प्रकार से पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। 11वां पद, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए। ये सब खरी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, हम उस पर ध्यान दें मेरे प्रिय भाई बहनों। ये खरा वचन है जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आजकल के दुनिया में चोरी चपाटा, लूट पाट, द्वेष, कानाफूसी, उल्टे सीधे काम बहुत हो रहे हैं। उन्हीं लोगों के बीच में आप और हम रहते हैं जो प्रभु के दास और दासी हैं, सेवक और सेवकाय करने वाले लोग हैं। तो आपको और हमको खरा जीवन बिताना है और उस खरे जीवन को बिताने के लिए खरे वचन का सहारा लेना है। 13वां पद, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें शुद्ध करके हमें भले कामों में सरगर्म बनाने पाए। तो पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझाता और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। कितनी अच्छी बात है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तीतुस का दूसरा अध्याय जो अभी मैंने पढ़ा और थोड़ा सा बातें की आपके सामने, ये पूरे समाज के लिए है, जवानों के लिए है, वृद्ध पुरुषों के लिए है, वृद्ध महिलाओं के लिए है, परिवार के पति और पत्नियों के लिए है, दासों के लिए है, कि किस प्रकार से हम खरी चाल चल करके परमेश्वर का वचन अपने व्यक्तित्व में ढाल करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं अपने भले कामों के द्वारा। भाई साहब भले काम जब ही आएंगे, जब हमारा जीवन खरा होगा, और खरा कब होगा, जब हम खरे वचन पर ध्यान देंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। सो मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों, मेरे भाई बहनों जो प्रभु में भाई बहन हैं, वो इन बातों पर ध्यान दें और परमेश्वर से विनती करें कि वो आपके विचारों में, कल्पनाओं में, व्यक्तित्व में, व्यवहारों में खरापन ले आए, ताकि हम जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए हम खरेपन की चाल चलें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो।